नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है दोपहर के फटाफट खबरों का। नेपाल में भी शुरू हुआ भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण, पीएम ओली ने की थी घोषणा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना और ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए किए 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों संग बैठक। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली का ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, लेकिन रास्ते में हो रहे हैं दिक्कत। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने देश में कोरोना की बिगड़ती स्थिति को लेकर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा, लॉर्डशिप को अंतरराज्यीय आवागमन पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन की गंभीर कमी है। ऐसे में राज्यों के बीच लॉकडाउन के कारण आवागमन काफी दिक्कत हो रहा है, जिस पर चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने कहा 27 तारीख को आगे की सुनवाई करेंगे। सेना की सतर्कता से बड़ा हादसा टला, पुलवामा सर्कुलर रोड पर मिली आईईडी को सेना ने सावधानी पूर्वक किया निरस्त। महाराष्ट्र के पालघर कोविड अस्पताल में लगी आग, आईसीयू में भर्ती 13 मरीजों की गई जान, पीएम मोदी सहित कई लोगों ने जताया दुख। कोरोना के चलते पीएम नरेंद्र मोदी ने रद्द किया बंगाल दौरा, वर्चुअल रैली को करेंगे संबोधित। ममता बनर्जी ने भी रद्द की अपनी जनसभा, अब ऑनलाइन करेगी संबोधित। मवेशियों की तस्करी मामले में कोलकाता हाईकोर्ट ने तृणमूल नेता विनय मिश्रा को 3 मई तक गिरफ्तारी से अंतिम राहत दी। राजस्थान में बढ़ते कोरोना के बीच जेल से कैदियों का फरार होना लगातार जारी है। फलौदी के बाद अब बीकानेर में हुआ बड़ा जेल ब्रेक, फिल्मी स्टाइल में भागे 5 कैदी। गुजरात में पिछले 24 घंटे में मिले कोविड-19 के रिकॉर्ड 13,105 मामले, जिसके बाद राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 4,53,836 हो गई है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में लोकायुक्त पुलिस ने पंजीयक कार्यालय के भृत को 3,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगो हाथों किया गिरफ्तार। यूपी के बांदा जेल में बंद वर्चुअल पेशी के दौरान जज के सामने गिड़गिड़ाया मुख्तार अंसारी, बोला बीजेपी कर रही है मेरी जान लेने की साजिश। प्रयागराज में कोविड एसआरएन अस्पताल में मरीजों के परिजनों ने जूनियर डॉक्टरों को पीटा, धरने पर बैठे जूनियर चिकित्सक। पटना में हुआ बड़ा हादसा, पुल से गंगा में गिरी पिकअप गाड़ी, 10 से अधिक की गई जान, गोताखोर डूबे हुए लोगों को निकालने में जुटे हैं। दिल्ली के बीजेपी सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी भी हुए कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। कृषि कानूनों के विरोध में कुंडली बॉर्डर पर जीटी रोड जाम कर बैठे आंदोलनकारी जमींदारों ने कोरोना की जांच कराने से साफ किया इनकार, वैक्सीन भी नहीं लगवा रहे हैं। पंजाब में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 5,456 नए मरीज मिले, अब पंजाब में 18 से 45 वर्ष तक आयु वाले लोगों को मुफ्त में लगेगा टीका। झारखंड में भी सबको कोरोना का टीका मुफ्त में लगाया जाएगा, सीएम हेमंत सोरेन ने किया बड़ा ऐलान। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा, कोरोना संक्रमण की रफ्तार जरूर बढ़ रही है, लेकिन फिलहाल सरकार प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाएगी, सख्ती बढ़ाने का दिया आदेश, विवाह में अब 50 व्यक्ति से ज्यादा शामिल नहीं हो सकेंगे। 9,534 पदों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने बढ़ाई आवेदन की तारीख, अब 30 मई तक कर सकेंगे अप्लाई। आज अभिनेता मनोज बाजपेयी का है जन्मदिन, उनका जन्म 23 अप्रैल 1969 को बिहार के बेलवा में हुआ था, उनके फैंस दे रहे हैं बधाइयां। तो ये थी दोपहर की फटाफट खबरें, ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।